अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि अमरीकी और पाकिस्तानी अवाम में बहुत कुछ मुश्तरक है, एक सानहा मिलकर हम खुशहाल मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकते हैं जिसके हम दो तरफा तजारत और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को उजागर करने और अमरीका पाकिस्तान सब इत्तेहाद के जरिए मजबूत दो तरफा इक्तिसादी शराकत दारी को मजीद मुस्तकिम करने के लिए कराची का दौरा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और कौंसिल जनरल ने वज़ीर आला सिंध और दीगर सियासी कारोबारी और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं के हमरा 247वीं अमरीकी योम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अमरीकी सफीर का कहना था कि अमरीकी और पाकिस्तानी अवाम में बहुत कुछ मुश्तरक है, एक साथ मिलकर हम खुशहाल मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकते हैं जिसके लिए हम दो तरफा तजारत और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अमरीकी सफीर के दरमियान मुलाकात में अमरीका पाकिस्तान तजारती और इक्तिसादी शराकत दारी को वसीयत देने के मौके और दीगर मुश्तरका तरजीहात पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब अमरीकी सफीर के दौरा कराची की एक अहम बात पाकिस्तान नेवल अकेडमी में शुरू होने वाली मशक का मुशाहिदा था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम पाक भेरिया के साथ मेरी टाइम सिक्योरिटी ताबून को मजीद मजबूत करना चाहते हैं ताकि खित्ते और आलमी सतह पर इक्तिसादी सरगर्मियों में आसानी हो सके।